चंडीगढ़ में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 सितंबर तक स्वामित्व योजना लागू हो जाएगी और हरियाणा में ड्रोन फ्लाइंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। योजना के तहत अब नक्शे बनाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, आप खुद सुनिए। स्वामित्व योजना का क्या स्टेटस है और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग और वित्तायुक्त संजीव कौशल हैं। सर, जो आपकी स्वामित्व योजना है, इस योजना पर आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार, अब कहां पर पहुंची है ये योजना और किस स्टेटस पर है? पवन जी, हमने टारगेट रखा है कि 15 सितंबर तक हम सारे हरियाणा में स्वामित्व स्कीम को 100% लागू कर चुके होंगे। ये हमारा मोटा टारगेट है जो कि हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ फैसला किया हुआ है। अब आज की स्थिति ये है कि हमारी ड्रोन फ्लाइंग पूरी हो गई। पिछले हफ्ते शनिवार को जब मैंने रिव्यू किया था तो हमारे दो जिले केवल रह गए थे जिनमें कुछ गांव रह गए थे जहां ड्रोन फ्लाइंग अभी होनी थी, और वो भी मेरे ख्याल में अब तक हो चुकी होगी। एक्सपेक्टेड था कि पिछले मंगलवार को वो काम पूरा हो जाना था। वो दो जिले थे, सोनीपत और यमुनानगर। सोनीपत में हमारे 70 गांव रहते थे और यमुनानगर में 19 गांव रहते थे। मैं आशा करता हूं कि बीते मंगलवार को ये काम पूरा हो गया होगा, और जो अब मैं रिव्यू करूंगा, इस शनिवार तो नहीं हो पाएगी मीटिंग, सोमवार करेंगे, सोमवार को हमारी ड्रोन फ्लाइंग पूरी हो चुकी होगी। अब हमारा फीचर्स एक्सट्रैक्शन का नक्शे बना के काम चल रहा है, उसके साथ ही साथ 30 दिन का नोटिस होता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने का, सबको वो काम भी चल रहा है, और अब हम प्रॉपर्टी डीड्स को बना रहे हैं और उनको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का इंतजाम करेंगे हम 15 सितंबर से। जो प्रॉपर्टी डीड आप बनाएंगे 15 सितंबर तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो आइडेंटिफाई हो चुका है उसका कोई डाटा है सर कि कितना आइडेंटिफाई हुआ है? मैं बताता हूँ, तकरीबन 6,350 गांव हमारे हैं जो के लाल डोरे वाले हैं, जहां आबादी है। बाकी कुछ हमारे गांव हैं जो बेचिराग हैं। बेचिराग का हमारा स्वामित्व योजना का कोई ताल्लुक नहीं है। तो 6,350 गांव हमारे पूरे हो गए, मैंने जो ऐसे बताया आपको। अब उनमें 1,511 गांव की पिछले हफ्ते तक प्रॉपर्टी डीड्स बन गई थी और 72,445 के करीब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो अब हम बाकी चीज़ का अब काम क्या कर रहे हैं कि तेज़ गति से हमारा ये प्रॉपर्टी कार्ड बनाने का जो ध्येय है जल्दी से जल्दी पूरा हो, उनकी टाइटल डीड्स की रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से जल्दी हो, ताकि फिर हम लोगों को ये सुविधा प्रदान कर पाए। सर, ये स्वामित्व योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद पालिका या निगम का जब दायरा बढ़ता है तो कुछ गांव जो है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। अभी स्वामित्व योजना के साथ गांव जुड़े हैं या फिर शहर के जो गांव आग बन गए, यानी जो शहर में गांव शामिल हो गए, उसको लेकर फिर आपने क्या किस तरह से प्लान बनाया है? सर, हम कोशिश करेंगे अब के गांव के साथ हम शहर का भी काम साथ ही साथ पूरा कर लें। देखिए, दो चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। शहरों में म्यूनिसिपल कमिटीज़ या काउंसिल्स या कॉरपोरेशन में भी गांव की हदें हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब गांव शामिल होते गए शहरों में तो उनका रकबा सारा का सारा शहरों में आ गया, उसी में लाल डोरा भी आया। अब लाल डोरा जो हमारा रेवेन्यू टर्म्स में हम समझें, लाल डोरे सबका एक खसरा नंबर होता है और उसमें अलग अलग प्रॉपर्टियां नहीं गिनी जाती, क्योंकि ट्रेडिशनली वहां घर बने हुए थे लेकिन उनका उसी खसरे में होने करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो अब क्या हम कर रहे हैं, हम उस लाल डोरे में जितने लोगों की प्रॉपर्टी है, जितने लोगों के घर बने हुए हैं, उसकी हम टाइटल उनको दे रहे हैं, उनकी मिल्कियत दे रहे हैं। आप इकोनॉमिकली अगर समझें, इकोनॉमिक्स के नज़रिए से, तो ये एक बहुत बड़ा अनलॉकिंग ऑफ कैपिटल है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो सुविधा मिलेगी, एक तो उनकी प्रॉपर्टी डीड रजिस्टर हो जाएगी, वो खरीदो फरोख्त कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट भी होंगे, हर किसी को श्योरिटी होगी कि मिल्कियत उनको मिल गई। दूसरा ये होगा
कि वो आगे से खरीदो फरोख्त करेंगे तो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अगर आदमी अपनी मिल्कियत के नाम पे उसकी स्ट्रेंथ पर अगर कोई बैंक से लोन वगैरह लेना चाहे, चाहे उसने बिजनेस करना हो, चाहे खेतीबाड़ी करनी हो, चाहे दुकानदारी को करनी हो, तो वो उसके बेसिस पे लोन भी ले सकता है। सो दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज अनलॉकिंग ऑफ कैपिटल। तो बहुत बड़े तादाद में ये अनलॉकिंग ऑफ कैपिटल होगी, इसकी हम वैल्यूएशन भी करवाएंगे। अब जो आपने चीज़ कही, जैसे गाँव का है वैसे ही हम शहर में भी जो हमारे गांव आए हैं उनका भी लाल डोरे का जो क्षेत्र है उसमें यही काम स्वामित्व योजना का बढ़ा रहे हैं। एक लीगल थोड़ी सी इसमें लैक्यूना है, वो पूरा करने के लिए हम एक लेजिस्लेशन करवाना चाहते हैं हमारे विधानसभा से, हरियाणा की विधानसभा से। तो उसके लिए हम एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी पिछले महीने, जिसमें हमने ये निर्णय लिया कि हम तीनों महकमे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, तीनों मिलके हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि एक तो हमारा पंचायत वाली जो लेजिस्लेशन है उसमें थोड़ी तरमीम होगी, अमेंडमेंट होगी, और इसी तरह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की म्यूनिसिपल एक्ट है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, दोनों में इसी तरह से अमेंडमेंट होगी, और ताकि हमारा स्मूथ काम चले, बाद में हमें कोई लीगल समस्या ना आए। ये जो आप बता रहे हैं कि आपको इस तरह से विधानसभा में कानून के लिए दोनों जो विभाग हैं, चाहे पंचायत विभाग है या शहरी स्थानीय निकाय विभाग है, उसमें कुछ जो है वो अमेंडमेंट होगा, तो उसको लेकर आपने कोई ड्राफ्टिंग जो हो इस पूरे मामले में कोई कमेटी गठित की है या किस तरह से काम हो रहा है सर पूरे प्रदेश भर में, कैसे आप कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तीनों महकमे? मैंने जैसे कहा था, ये चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी बातचीत हुई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई। अब उसके बाद मैंने एक कमेटी बनाई बतौर FCR, जिसमें डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट एंड पंचायत चेयरमैन हैं, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज मेंबर हैं, हमारे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स रेवेन्यू के वो मेंबर हैं, चार डिप्टी कमिश्नर भी हमने उसमें कमेटी में रखे हैं, वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। दो मीटिंगें उनकी हो चुकी हैं, दूसरी मीटिंग उनकी कल हुई थी, और मैं आशा करता हूं मुझे एक दो दिन में ही वो ड्राफ्ट तैयार मिल जाएगा। फिर हम कैबिनेट के पास जाएंगे मुख्यमंत्री जी के आदेश लेकर, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद फिर वो बिल बनेगा और बिल हम विधानसभा में अगले सेशन में ले आएंगे। सर, स्वामित्व योजना की अब हम बात कर रहे थे, राजस्व विभाग में भी आप अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सर, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर या यूं कहें कि भूमि सुधार को लेकर किस तरह के महत्वपूर्ण कदम आपने उठाए हैं, क्या आप जो है वो और नए कदम उठाने की तैयारी है? देखिए, भूमि सुधार के लिए हमारा सबसे बड़ा तो है कानून कंसोलिडेशन एक्ट, लैंड कंसोलिडेशन। तो लैंड कंसोलिडेशन का एक्ट हमारा बहुत पुराना है, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट वगैरह हम कभी कभी गाहे बगाहे करनी पड़ती है, तब करते हैं। एक अमेंडमेंट हमने की थी कि थोड़ी कंसोलिडेशन हो जाए, इसमें ये भी सुविधा रहे कि अगर गवर्नमेंट, सरकार अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट कर रही हो, उसके लिए ज़मीन इकट्ठी अलग अलग लोग दे देते हैं, उसकी कंसोलिडेशन करने के लिए भी सुविधा हो, वो हमने अमेंडमेंट करवाई थी, उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि सरकार हमारी लैंड एक्विजिशन फोर्सिबल आजकल नहीं कर रही, आजकल हमने ई भूमि के ज़रिए जो मालिक हैं ज़मीन के उनको ऑप्शन दी है कि वो ई भूमि में अब मर्जी से, स्वेच्छा से ज़मीन दे सकते हैं, और उसका रेट भी वो खुद बताते हैं कि जी हम इतने रेट पे देना चाहते हैं। वो ठीक है, फिर सरकार देखती है कि उस रेट पे हम ज़मीन को कैसे लिया जाए, क्या बनेगा, वो हम, वो एक प्रक्रिया है, एक हाई लेवल कमिटी भी है। आज मुख्यमंत्री जी की वो बैठक भी होनी है जिसमें हमने तकरीबन 7-8 प्रोजेक्ट थ्रू करवाने इसी तरह से ज़मीन खरीद करने के। रजिस्ट्रेशन को लेकर यानी जो रजिस्ट्रियों को लेकर जो है वो आपने तमाम सुधार किए हैं और पारदर्शिता जो है वो इस मामले में आई भी है, लेकिन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन का जो आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया था उसमें कितना और वक्त लगना है या फिर किस तरह से उसके ऊपर काम चल रहा है? हमने पूरी तैयारी कर ली है जी, सॉफ्टवेयर की भी तैयारी हो गई है और क्या कैसे होगा वो सारी तैयारी हो गई। अब हमें एक थोड़ी लीगल उसमें दिक्कत है। आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908
वो भारत सरकार की लेजिस्लेशन है, उसमें अमेंडमेंट तो हम कर सकते हैं, ला सकते हैं बिल के जरिए कार्रवाई करने का, लेकिन क्योंकि वो एक सेंट्रल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट जब करना होगा तो हमारी जो हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे महामहिम गवर्नर साहब तब महामहिम राज्य स्वीकृति लेने के लिए उसको भारत सरकार में भेजेंगे। उसमें समय थोड़ा लग जाता है जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने लीगल भी चीज़ देखनी होती है, अलग अलग मिनिस्ट्रियां भी उनकी भी सलाह ली जाती है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। ये एक थोड़ी हमारे लिए देखने की बात होगी कितनी जल्दी वो कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त संजीव कौशल थे, जिन्होंने जो स्वामित्व योजना है उसका इस वक्त हरियाणा में क्या स्टेटस है और किस तरह से उसके ऊपर कितनी तेज गति के साथ काम हो रहा है ये जानकारी दी है। साथ ही लैंड रिफॉर्म्स को लेकर जो काम हुए हैं उसकी जानकारी कौशल साहब ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।